सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिका। सो कितने दिन बाद आ रहे हो आज वीडियो देखने यार। बहुत लोग आप लोग वीडियो को स्किप कर रहे हो। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो कुछ आपके लाइक है तो उसको देख लो, या फिर आपके फ्रेंड के लाइक है तो उनको शेयर कर दो। चलो फिर ये सब चीज़ों को असाइड रखते हैं, बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, रेड नीचे पड़े लाल बटन को दबाया कि नहीं दबाया तो दबा दो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, ना पसंद आए डिसलाइक कर देना। चलो ये सबको खारिज करते हुए वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं। सो बेसिकली बहुत लोग आप लोगों के मन में डाउट होगा कि विल 2022 ज्वाइनिंग विल बी वर्क फ्रॉम ऑफिस, और इट विल बी जस्ट लाइक अ वर्क फ्रॉम होम विच इज़ हैपनिंग फ्रॉम लास्ट टू बैचेस, दैट इज 2020 एंड 2021। कितने लोग डाउट में हो यार कि वर्क फ्रॉम होम है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस है, या फिर आप लोग सोच रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम अच्छा है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस अच्छा है। काफ़ी सारे डाउट्स होंगे अभी आप लोगों को, है ना। तो इसीलिए मैं सोचा चलो कुछ बातें कर देता हूँ कि क्या होने वाला है सिनेरियो, क्या दिख रहा है मेरे को जो इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो देखो बेसिकली चीज़ें क्या है ये पहले समझो। आपको क्या लगता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस अच्छा है या वर्क फ्रॉम होम? देखो तो एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड, हमेशा याद रखना। किसी भी चीज़ की एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम है तो वो काफ़ी अच्छा है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो वो काफ़ी बेकार है, या फिर वो है तो वो अच्छा है, वो है तो वो अच्छा है। एवरी सबकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स है, ठीक है। अगर कुछ वर्क फ्रॉम होम के प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है, कुछ अगर ऑफिस के प्रोज है तो वो कॉन्स भी है, ठीक है। वो सब बातें नहीं करूँगा। 2022 बैचेस के लिए क्या होने वाली है, क्या ट्रेनिंग वर्क फ्रॉम होम जैसे कि ऑनलाइन चली है लास्ट टू बैचेस की वैसे ही होगी, या फिर आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर्स में बुलाए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए? तो देखो मेरे को क्या लग रहा है, जहाँ तक अभी कंपनी हैव मूव टू अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी राइट नाउ, ठीक है। मतलब कि जो आईटी इंडस्ट्री में चल रहा है 2 days फ्रॉम इन ऑफिस, 3 days फ्रॉम इन होम, हाइब्रिड मोड में चला गया है। जो मतलब कि जो भी नया प्लान है वो हाइब्रिड मोड में चला गया है। तो यार कंपनी वाले डिसाइड तो नहीं कर पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली ट्रेनिंग कहाँ देना है, ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ देना है, बिकॉज आधा चीज़ हाइब्रिड में है, ठीक है। अगर L&D डिपार्टमेंट भी है उनकी, तो 2 दिन मतलब कि 2 days फ्रॉम होम, 2 days 3 days फ्रॉम समथिंग लाइक दैट है, मतलब मिक्स कल्चर है। ट्रेनिंग की बात हुई तो ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी लोकेशंस पे है, जहाँ पे थर्ड पार्टी हायरिंग होती है ट्रेनिंग के लिए, इंटरनल टीम ट्रेनिंग देती है, एंड इट टोटली डिपेंड्स कि क्या क्या सिनेरियोस है आसपास, उस हिसाब से ट्रेनिंग डिसाइड होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, मतलब कि क्या होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 2022 में होने वाला है, जो बिग MNCs हैं जिसकी हायरिंग कैपेसिटी मतलब जो हायरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक एसेंचर, कॉग्निजेंट एंड ऑल, 90% मैं बोल सकता हूँ उनकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली, क्योंकि आप देख सकते हो एड सेमेस्टर कम से कम 2-3 महीने में आपकी एंड हो जाएगी, आप लोग फिर इंटर का पास आउट हो जाओगे और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। इतने कम स्पैन में ट्रेनिंग स्टार्ट करना एटलीस्ट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द कंपनी, फॉर द बिग हायरिंग कंपनी लाइक कॉग्निजेंट, एसेंचर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी मतलब कि हायरिंग ही हो रही है 50K 40K काइंड ऑफ हायरिंग कर रहे हैं वो, तो काफ़ी मुश्किल हमको लग रहा है कि वो लोग हायरिंग करेंगे, मतलब ऑफलाइन बुलाएंगे ट्रेनिंग सेंटर्स पे, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है जनरली ऑनलाइन वे में अडेप्टिव है लोगों के लिए, मतलब ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म पे वो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल आईडी दे देते हैं, जहाँ पे आपको टेस्ट वेस्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं, लर्निंग मॉड्यूल्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। सो 90% जो चांसेस है, जो लोग बिग MNCs हैं उनकी जो ट्रेनिंग होने वाली है लाइक एसेंचर कॉन्फिडेंट, वो ऑनलाइन ही चलेगी फॉर दिस ईयर एटलीस्ट, बिकॉज 2 महीना में अडेप्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा कि कैसे वर्क ऑफिस बुलाएं या फिर कैसे ट्रेनिंग पे डिवाइड करें। मतलब दे आर बिजी टू कॉल देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और द क्रिटिकल प्रोजेक्ट लाइक बैंकिंग प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और IT टीम्स वो आर सिटिंग इन द ऑफिस, उनको बुलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ट्रेनिंग अरेंज कराना विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि हायरिंग तो पूरे बल्क में किए हुए हैं, ट्रेनिंग जो अरेंज कराना तो डिफिकल्ट होगा ही, ठीक है। सो मान के चलो कि इस साल जो कॉग्निजेंट एसेंचर में उनकी वर्क फ्रॉम होम में ही ट्रेनिंग निकल जाएगी, प्रोजेक्ट के बाद आपको लगता है कि अलॉटमेंट मिलेगी आपकी सेंटर्स तक, ठीक है। तो ये मैं 90% दे रहा हूँ, बाकी तो कंपनीज पागल होते हैं, बट हाँ जो लोग लो हायरिंग कंपनीज हैं
इनकी हायरिंग रेट थोड़ी कम है, दे कैन कॉल यू इन द सेंटर, दे कैन ट्रेन यू ओवर देयर, बिकॉज अगर थर्ड पार्टी से ट्रेन कराते हैं वो लोग, थर्ड पार्टी वेंडर से, तो बहुत ईजिली वो लोग आपको बुला लेंगे। ठीक है, तो आइडिया आपको मिल गया होगा कि कौन लोग वर्क ऑफिस पे बुला के ट्रेन करने वाले हैं, कि कौन लोग आपको मतलब कि ऑनलाइन ट्रेनिंग करने वाले हैं। एक जो रफ आइडिया जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ और है, मैं बताना चाहूँगा और भी समझ जाओ ये लिटिल बिट कि क्या है न्यू नॉर्मल की कल्चर, व्हाट इज़ न्यू नॉर्मल इन आईटी राइट नाउ। सो जो अब जो मॉडल बनने वाला आईटी का, वो ऐसा नहीं है कि आपको पाँचों दिन ऑफिस जाना है या फिर हर दिन घर पर बैठना है। दे आर प्रिपेयरिंग अ न्यू मॉडल दैट इज़ अ काइंड ऑफ हाइब्रिड मॉडल विच टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट एंड विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग इन। सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट स्केड्यूल्स एंड एज पर दैट स्केड्यूल्स यू हैव टू गो टू ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, इट विल बी अ मिक्स ऑफ कल्चर। देर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, लाइक फ्लेक्सीबल वर्क पॉलिसी, लाइक फॉर 1 month, 2 months यू कैन टेक अ वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन इफ योर प्रोजेक्ट आर नॉट क्रिटिकल, इफ यू आर हैविंग अ मैनेजर bonding good, you can work from home. There are lots of other criteria. So it's not like the old day school kind of stuff that is going to happen. 5 days office right now for next 2-3-4 years, because new normal policies is being launched in different companies. So I hope so कि ये flexible hybrid culture आगे 2-3 साल तो inculcate होने वाला, क्योंकि लोग यार adaptive हो चुके हैं घर में बैठ के काम करने को। ठीक है, आधे से आधे लोग जाना नहीं चाहते। ठीक है, अपने कौन सा और अपने प्रोज है रहने जाने के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जाने से ख़राब है या रहने से ख़राब है, टोटली डिपेंड, कहीं जाने से भी फ़ायदा, कहीं रहने से भी फ़ायदा। बट एज अ फ्रेशर अगर आपका पैकेज करना, तो थोड़ा सा आपको फंड्स और फिनेंशियली थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है घर पर रहने से। बट हाँ, अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम भी आपके साथ हो रहा ही रहा होगा। सो डोंट केयर मच अबाउट ऑल दिस थिंग, थोड़ा सा अंदाज मिल गया होगा आपको कि ट्रेनिंग कैसे होने वाली है। कुछ भी और पूछना है ट्रेनिंग के रिलेटेड, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफिसेस कब खुल रहे हैं उसके बारे में, तो कमेंट में बताओ। और अगर यार आप लोग ऑफिसेस जा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बताओ कि आप लोगों को कब बुलाया जा रहा है, जिससे कि मेरे व्यूअर्स को पता चलेगा कि कौन कौन से ऑफिसेस में क्या चीज चल रही है। तो ठीक है, वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। वीडियो यहाँ तक आ गया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बकवास लगा हो डिसलाइक कर देना, वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना। विल मीट सून विथ अ न्यू कंटेंट एंड अ न्यू आईटी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।